ओ फोर लाई बिटवीन 10 and 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं ये हमें देखना है। तो 10 से नेक्स्ट वाला बेटा कितना आएगा, 12, ठीक है। उसके बाद में जो 4 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 16, ठीक है, फिर 20 और यहाँ पे क्या होगा, 248, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, ए एन हमारा कितना है, 248 है, ठीक है। तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12 और डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 248 माइनस 12 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 4, इसको माइनस कर देते हैं 248 में से 12 को, तो 236 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 4, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ गया बेटा हमारा, 59। तो n माइनस 1 इजिकल टू 59 या n इजिकल टू 59 प्लस 1 यानी कि 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द n टर्म ऑफ ए पी आर इक्वल। तो दो सीरीज हमें दी हुई हैं, हमें बताना आया है कि इनमें से n की किस वैल्यू के लिए दोनों सीरीज आपस में इक्वल हैं। तो देखते हैं बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो 2, डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। यहाँ पे देखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 63 में से 2 को माइनस करेंगे, 61 प्लस 2n, यहाँ पे बेटा 7n लिख लेते हैं, 3 में से 7 को माइनस करेंगे, माइनस 4, तो 2n माइनस 7n इजिकल टू माइनस 4 माइनस 61, तो 2n में से 7n को माइनस करेंगे, माइनस 5n माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 13। तो नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है इसमें, 13 है, n की वैल्यू हमारी 13 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिटरमाइन द ए पी, हमें ए पी बताना है हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म जो है बेटा वो 16 है, एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखते हैं यहाँ से बेटा, ए प्लस 2d जो है हमारा 16 है, ए 7 का मीन्स क्या है हमारा, ए प्लस 6d, ए 5 का मीन्स है ए प्लस 4d इजिकल टू 12 प्लस 12, ठीक है। ए से ए कैंसिल कर देते हैं, 6d में से 4d को माइनस करेंगे तो 2d इजिकल टू 12, या d इजिकल टू बेटा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो a प्लस 2d की वैल्यू 6 इजिकल टू 16, तो a प्लस 12 इजिकल टू 16, या a इजिकल टू 16 माइनस 12, या a इजिकल टू 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या बताना है बेटा, ए पी बनानी है, तो फर्स्ट टर्म ए होती है, उसके बाद में ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d आता है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 6 का, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आएगा, 16, फिर 20, ठीक है। इस टाइप से हमारी सीरीज बन जाएगी। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट टर्म जो होती है लास्ट से है ना, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसका बेटा फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल जो है हमारा 253 है, ठीक है, एन की वैल्यू हमारी 20 है, डी की वैल्यू हमारी 5 है, तो 253 माइनस 20 में से 1 को माइनस करेंगे, 19 इंटू 5, तो 253 19 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 95, तो 253 में से 95 को हम माइनस करेंगे, तो 158 बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द सम ऑफ द फोर टर्म एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एपी में बेटा जो फोर टर्म और एट टर्म का जो सम है वो 24 है, और सिक्स टर्म और टेन टर्म का जो सम है वो कितना है 44 है। तो हमें क्या करना है, उसकी तीन टर्म बतानी है। तो ए फोर का मीन्स है बेटा ए प्लस 3d, ए एट का मीन्स हुआ ए प्लस 7d, यहाँ से 24, ए और ए 2a हो गया, 7 और 3 10 हो गया, ये 24 हुआ। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ए प्लस 5d हमारा कितना होगा, यहाँ से 12 होगा। यहाँ से देखते हैं ए प्लस 5d, ए 10 का मीन्स है बेटा ए प्लस 9d और ये 44, तो 2a प्लस 14d इजिकल टू 44। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो a प्लस 7d इजिकल टू 22। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस 5d इजिकल टू 12 और a प्लस 7d इजिकल टू 22। तो माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस 2d, ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a प्लस 5 इंटू 5 इजिकल टू 12, तो 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, माइनस 13 आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ से इसकी टर्म बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म ए होती है, उसके बाद में ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, तो ए हमारा कितना है बेटा, माइनस 13 है, ठीक है। ए प्लस डी माइनस 13 प्लस 5 यानी कि माइनस 8, ठीक है, माइनस 13 प्लस 5 कितना हुआ बेटा, माइनस 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे टर्म कितनी आएगी, माइनस 3, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी, इनकी जो सैलरी थी पहले कितनी थी बेटा, 5000 थी, और उसमें इंक्रीमेंट जो हो रहा है पर ईयर वो कितना हो रहा है, 200 का हो रहा है, यानी कि उसके बाद में 5200 हुआ, फिर 5400, लास्ट में कितना हुआ, 7000 हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, n की वैल्यू निकालेंगे, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लास्ट टर्म हमारी 7000 है, a हमारा 5000 है ना, d हमारा 200 है, तो 7000 माइनस 5000 और n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। 7000 में से 5000 को माइनस करेंगे तो 2000, ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 200 हुआ, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 10 इजिकल टू n माइनस 1 या n माइनस 1 इजिकल टू 10 या n इजिकल टू 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकली सेव आरएस 5 rupees इन फर्स्ट वीक, पहले 5 rupees बचाती है वो, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 rupees इफ इन द एन वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 rupees। तो पहले 5 में 1.75 को प्लस करेंगे तो 6.75, ठीक है, उसके बाद में कितना होगा बेटा, 6.75 में हम कितना प्लस करेंगे, 1.75 को, तो कितना हुआ बेटा, 8.50 और लास्ट में 20.75, ठीक है। तो देखते हैं ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 20.75, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू बेटा 1.75 है, तो 20.75 माइनस 5 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। तो 20.75 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 15.75 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, तो एन माइनस 1 इजिकल टू 15.75 अपॉन 1.75, ठीक बेटा।
इसको कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, तो n माइनस 1 इजिकल टू 9, या n इजिकल टू 9 प्लस 1, n इजिकल टू 10, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 हमने एपी की यहाँ पे कंप्लीट की है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो सीबीएसई की और वीडियो के लिए बेटा आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, जिससे आगे जो हम वीडियो बनाएं आपको वो मिलती रहे। थैंक यू।